अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे, अल्लाह के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ। आज ये 100% मेरी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपके इसके फाइनल लुक से पता चल ही रहा होगा कितना मज़ेदार जूसी हमारा ये मटन पालक का सालन बनकर रेडी है। माशाल्लाह रेसिपी बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। आप जल्दी जल्दी जाएँ किचन में और बहुत मज़ेदार जूसी हमारा मटन पालक बनाकर खाएँ और सबका दिल जीत लें। 3 पाव मटन लिया है मैंने और पालक देखकर तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कलरफुल फ्रेश पालक है हमारा, जैसे अभी अभी हमने ज़मीन से निकाला है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 1 किलो हमारा पालक है। पतीला रख लिया है मैंने और गैस कर लिया है ऑन। 1 कप ऑयल ले लूँगी मैं, मीडियम, यानी कि 1/2 पाव से कुछ ज़्यादा। जब हम मटन, बीफ, चिकन में कोई भी सब्ज़ी डालते हैं तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है और मिर्च मसाले भी। जैसे ही हमारा ऑयल फुल गर्म होगा यानी कि खोलता हुआ, उसी वक्त मैं प्याज डाल दूँगी। ऑयल फुल गर्म में ही आप प्याज की भुनाई करें वरना प्याज हमारे चिपचिपे से हो जाते हैं, और हम गर्म ऑयल में करेंगे तो क्रिस्पी बनेंगे हमारे प्याज। 1 डालकर देखते हैं, अभी थोड़ा सा कम गर्म है, ऑयल हो चुका है गर्म। थोड़ा से ठन की आवाज़ आए तो परफेक्ट है हमारा ऑयल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक शेयर करें। प्याज हमारे हो चुके हैं ब्राउन। अगर आपको ग्रेवी रेड चाहिए, डार्क रेड, तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें, हर साल में भी कर सकते हैं। अब हम डाल लेंगे कुटी हुई मिर्च, हमने सब्ज़ी ली है तो इसलिए हम 3 से 4 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लेंगे। इस तरह से हमारे सालन का कलर आएगा बहुत ही अच्छा। 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। 1 से 2 सेकंड हम इनकी भुनाई करेंगे, इससे आएगा हमारे सालन का रेड कलर। अब मैं इसमें डालूंगी 2 घूंट पानी और फ्लेम मेरा लो था, मैं आपको बताना भूल गई। 1 से 2 सेकंड मैंने की है मसाले की भुनाई। अब ये मसाला भूनकर मैं इसमें से 1/2 प्याज और सारा ऑयल निकाल लूँगी। ये बनेगी हमारी तरी पालक और गोश्त में। घी आप जितना भी डाल लें वो गुम हो जाता है, तो हम ये एंड में यूज़ करेंगे। आपके मेहमान आ जाएँ तो रूखा रूखा सा लगता है, तो इसलिए हम ये तरी उतार कर रखेंगे और जब सर्व करेंगे उस वक्त ये तरी डाल लेंगे। और ब्राउन किए हुए प्याज भी हर सालन में मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप डालकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी मेरी आसान सी रेसिपी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मसाले में अपना भून लूँगी मटन दोबारा से फुल फ्लेम। फुल फ्लेम पर हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। बुनाई हो गई है माशाल्लाह बहुत अच्छी सी। अब मैं 2 गिलास पानी डालकर 2 से 2.5 गलने के लिए रख दूँगी, 20 से 30 मिनट तक, या हम बोटी तोड़ कर देख लेंगे उबाल आ लें तक फुल फ्लेम। उसके बाद कर देंगे मीडियम टू लो, ढक कर रखे हैं हम ताकि जल्दी गले। पालक को मैंने कर लिया है साफ, गली सड़ी डंडियाँ, गले सड़े पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। अब हम 1/2 पालक हाथ में लेंगे और इसकी मोटी मोटी डंडी काट कर फेंक देंगे और पत्तों को करेंगे बारीक। इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे हम। अब मैं धोऊंगी पालक, या तो आप इस तरह की जालीदार खली में धोएं या फिर पतीला भरकर उस पानी में धोएं ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और इस तरह से हमारी ये जालीदार छलनी में से मिट्टी निकल जाएगी। फुल प्रेशर वाला पानी आपने उसमें मारना है ताकि हमारा पालक बहुत अच्छी तरह से घुल जाए। पालक हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट से उबाल लूँगी और पानी फेंक दूँगी ताकि इसका कड़वापन या फिर खारा होता है थोड़ा सा वो निकल जाए और मज़ेदार सा टेस्ट आए हमारे पालक का। मटन को रख दिया था पकने के लिए, देखते हैं। माशाल्लाह 1/2 गल चुका है हमारा ये मटन। अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 टेबल स्पून, ये दोनों मिक्स हैं, और 5-6 हरी लाल मिर्च। मिक्स करने के बाद दोबारा गलने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो पर ही ताकि जल्दी गले हमारा सालन और मज़ेदार सा टेस्ट आए। पालक माशाल्लाह उबल चुका है, अब इसका पानी निकाल देंगे। पालक को निचोड़ लिया है मैंने। मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाओगे तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आएगा 100%। और अब हम डाल लेंगे पालक इसी मटन के पानी में। हमारा ये पालक गल जाएगा, आप इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं, मगर फिर बन जाएगा ये पेस्ट। हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा दरदरा पालक इस तरह की चटनी की शक्ल में, या आप सिल पर पीस लें या फिर कुंडी मुसलमान दस्ते में। अब हम इसे ढक देंगे, दोबारा दम पर रख देंगे। जैसे ही ये नरम मुलायम होगा बुनाई करेंगे बहुत अच्छी सी। खोल कर देखते हैं और टमाटर भी डाल लेते हैं। इस रेसिपी में टमाटर ही लिया करें,
अगर हम दही लेंगे तो कलर हो जाएगा वाइट वाइट सा। ये फुल भरकर कटोरा हमने टमाटर लिए हैं और इससे होगा हमारे पालक का कलर रेड रेड रेड, यानी कि जैसे हमारे ये तरी होती है ना उस तरह का कलर आ जाएगा, दही से हो जाएगा वाइट, वो हमें नहीं चाहिए। वैसे भी टमाटर माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे इस पालक में। थोड़ा सा पानी रह गया है, पालक भी हमारा माशाल्लाह गलने लगा है। 10 मिनट बाद हम कर लेंगे भुनाई, एक बार फिर ढक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक। अब थोड़ी सी आँच कर लेंगे तेज़, क्योंकि अब हमने करनी है इसकी भुनाई। और भुनाई जब भी होती है तब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इस तरह से हम इसे चमचे के साथ कर लेंगे मुलायम। पालक भी हमारा मुलायम हो जाएगा, टमाटर भी मुलायम हो जाएंगे, पिस जाएंगे यानी कि, और भुनाई भी अच्छी सी हो जाएगी। पानी जल चुका है हमारे पालक का। अब मैं डाल लूँगी नमक। नमक ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। और कुछ मसाले, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, किसी भी काली मिर्च का पाउडर ये भी 1 टीस्पून, ये आप एंड में ही लिया करें, इससे हमारे सालन में खुशबू होगी। और ये 3-4 कश्मीरी मिर्च और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 2-3 हरी मिर्च, इससे खूबसूरती शाइनिंग आएगी हमारे मज़ेदार से सालन में। भुनाई तो हो चुकी है हमारे सालन की, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम डाल लेंगे वो मसाला जो हमने निकाल कर रखा था, और ऑयल डाल लेंगे, इससे हमारा पालक ऑयल छोड़ देगा और मज़ेदार सा नज़र आएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ऑयल डालते ही शाइनिंग आना शुरू हो चुकी है हमारे सालन में। अब मैं डाल दूंगी एक प्याली, एक छोटी सी प्याली है पानी, क्योंकि इस तरह सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता रोटी के साथ। और अब हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे, और हमारे पालक का ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, दम पर रख देंगे। रेडी है मज़ेदार सा हमारा मटन पालक। दम का टाइम हो चुका है ख़त्म, खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खुद देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है हमारे बहुत ही मज़ेदार मटन पालक ने। आज की हमारी बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार मटन पालक बनाने की आसान सी रेसिपी, अच्छी लगे वो भी मेरे स्टाइल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।